तो कोडिंग कल्चर की बात करें तो कोडिंग कल्चर बिल्कुल नहीं था कॉलेज में, बिकॉज वही होता ना, अगर सीनियर्स को पता होता कि क्या करना है तो वो भी कर रहे होते और वो हमें भी गाइड करते कि ये सब करना है आपको। आपने कब कोडिंग स्टार्ट करी और आपने किस चीज से स्टार्ट करी? तो कोडिंग का देखा जाए तो मुझे मतलब मेरे सेकेंड ईयर तक मुझे कुछ नहीं आता था, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि कॉलेज में सीनियर्स इतना हेल्पफुल नहीं थे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था कि करना क्या है कोडिंग के रिलेटेड। तो वही है, काफ़ी दिक्कत आई। तो मैंने जो स्टार्ट करी अपनी कोडिंग जर्नी, दैट वाज इन स्टार्टिंग ऑफ माय थर्ड ईयर। तो आपका ये जो ऑफर निकला है, ये ऑफ कैंपस ऑफर है, तो आपने इसमें कैसे अप्लाई किया? तो मैंने जो ऑफर में अप्लाई करा था वो ऑफ कैंपस ही था, और विदाउट रेफरल करा था, बिकॉज इसमें रेफरल लेना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था मेरे लिए। मैं एक बार हमें ये बताओ कि आपने किस किस कंपनी में अप्लाई किया था और कहाँ कहाँ से आपको रिजेक्शन मिला है? रिजेक्शन तो सारी कंपनी से मिला जितना मैं अप्लाई करा था प्रोडक्ट बेस। तो मैंने गोल्डमैन में कर रखा है, मॉर्गन में कर रखा है, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन में भी कर रखा है, बाकी गूगल में मैंने 2-3 एप्लीकेशन डाल रखी, और अमेज़न में अकेले ही 16 एप्लीकेशन डाल रखी थी इससे पहले। हाय एवरीवन, आई एम फराज एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। तो आज की जो पॉडकास्ट है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मेरे साथ कुशाग्र हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी एक टीयर 3 कॉलेज से स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग में 2 साल बिल्कुल कोडिंग नहीं की, लेकिन फाइनली जब पता चला कि अच्छी कंपनीज निकालने के लिए कोडिंग करना चाहिए, तो उन्होंने कोडिंग स्टार्ट किया एंड रिसेंटली ही क्रैक्ड अमेज़न। अगर अमेज़न क्रैक करना इतना भी आसान नहीं था, 16 times अप्लाई करना पड़ा, बहुत सारी और भी कंपनीज थी जहाँ से रिजेक्शन फेस करना पड़ा। अब रिजेक्शन की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन फाइनली ही वॉज एबल टू गेट इन टू अमेज़न। अब हम कुशाग्र से उनकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सुनेंगे, उनके कॉलेज का कल्चर सुनेंगे, उनके कैंपस में कौन सी कंपनीज आती हैं, कौन सी कंपनीज नहीं आती हैं, उन्होंने खुद को कैसे तैयार किया, कैसे अपना सर्कल बनाया, एंड फाइनली क्या प्रोसेस था अमेज़न में आने का, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। तो पॉडकास्ट को एंड तक देखना, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाय कुशाग्र, हाउ आर यू? Hey Fraz, I'm fine. How are you? I'm good too. There, congratulations for Amazon. आपने एक टीयर 3 कॉलेज में होकर के Amazon क्रैक की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। सो पूरी जर्नी हम लोग सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपना। Thank you so much Fraz for having me on this channel. Hey everyone, I'm Kushag Gangwar. I've recently graduated from GLA University Mathura, और मैं अभी as a software engineer काम कर रहा हूँ at Amazon. So अभी तक की जितनी जर्नी रही है मेरी वो काफी अमेजिंग है, सो वही सब मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। ग्रेट ग्रेट। तो यार सबसे पहले तो आपके कॉलेज से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आपका कॉलेज टीयर 3 कॉलेज था, और जहाँ तक मुझे लगता है कि टीयर 3 कॉलेज में एक कल्चर मिसिंग होता है थोड़ा सा कोडिंग का, बहुत सीनियर्स नहीं होते हैं जो कोडिंग कर रहे हैं, आपके सर्कल में लोग नहीं होते हैं जो कोडिंग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कोई कोई कॉलेज हैं जो अभी कन्वर्ट हो रहे हैं, टीयर 3 से टीयर 2 में जा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पर एक कोडिंग कल्चर डेवलप हो चुका है। तो आप हमें अपने कॉलेज के बारे में बताइए कि आपके कॉलेज में कैसा कोडिंग कल्चर था, क्या लोग डेवलपमेंट करते थे, कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग करते थे, या फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करते थे, या फिर कुछ भी नहीं करते थे? तो जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ नहीं करते थे। तो कोडिंग कल्चर की बात करें तो कोडिंग कल्चर बिल्कुल नहीं था कॉलेज में, बिकॉज वही होता ना, अगर सीनियर्स को पता होता कि क्या करना है तो वो भी कर रहे होते और वो हमें भी गाइड करते कि ये सब करना है आपको, बट सीनियर्स को नहीं पता था कि क्या करना है। और मतलब कुछ सीनियर थे, हाँ मानता हूँ, 2-3 लोग करते थे, बट हाँ ऐसा कोडिंग कल्चर नहीं था कि हर कोई कर रहा है बैठ के कोडिंग, और कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, और जस्ट लाइक दैट प्रोफेसर्स भी इतना कुछ हेल्प नहीं कर पाते थे, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब उनका इतना कोडिंग में नहीं रहता है, बट फिर भी तो ऐसा ओवरऑल कहा जाए तो एक कोडिंग कल्चर नहीं था। फ्रेंड्स एंड ऑल और वो सब भी मतलब कोई भी कोडिंग में नहीं था ऐसा। तर आपने विजय प्रोफेसर्स की बात करी ना, तो मेरे को ध्यान आ गया कि कुछ लोग मेरे से कुछ टाइम पहले पूछ भी रहे थे कि भैया हम इतने बढ़िया कॉलेज में अगर आ रहे हैं तो क्या प्रोफेसर्स हमारी हेल्प करेंगे प्लेसमेंट्स वगैरह में, सब्जेक्ट्स वगैरह में आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम और जो नए नए टाइप्स के क्वेश्चन कंपनीज पूछ रही हैं उनसे वो अपडेटेड नहीं रहते हैं, बिकॉज उनके पास 50 चीज़ें होती हैं हैंडल करने के लिए, तो वो आप खुद से हैंडल करोगे, आपकी प्लेसमेंट की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। और रही बात सीनियर्स की, तो सीनियर्स मेरे पास भी आए थे स्टार्टिंग में कि यार चिल करना है फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में सिर्फ चिल करना है, CGPA डजेंट मैटर, लेकिन सब मैटर करता है भाई, देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो चिल करोगे तो चिल ही करते रह जाओगे, बैलेंस करो दोनों चीज़ों को, चिल भी करो और अपने साथ साथ कोडिंग भी करते रहो, CGPA भी अपनी अच्छी रहो अगर कैंपस प्लेसमेंट चाहते हो तो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो लोग एक सर्विस बेस्ड कंपनी से किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहते हैं, या फिर डेवलपमेंट बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, या फिर अपना जो पैकेज है उसमें इंक्रीमेंट करवाना चाहते हैं। तो यार Cryo.do नाम का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होती है, मतलब लाइव सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस के बाद आप लोग को एक मेंटोर एलोकेट कर दिया जाता है जो बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक आपके साथ रहता है, और आप लोग असली प्रोजेक्ट्स पे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करते करते चीज़ों को सीखते हैं। जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो आपके रेज्यूमे में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं।
अब यार ब्रीफली बता देता हूँ, वैसे तो यार फ्री क्लास होने वाली है इसकी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो डेफिनेटली फ्री क्लास तो आप लोग बुक कर ही दो और उसके बाद आप लोग एक्सपीरियंस देख लेना अगर अच्छा लगता है। तीन ऑप्शंस होते हैं आपके पास, एक होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट, एक होता है आपका बैक एंड डेवलपमेंट और एक होता है फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक है, फ्री क्लास के लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के बुक कर देना। ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये प्लेसमेंट गारंटी वाला प्रोग्राम होता है, मतलब जो लोग एक सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में स्विच करना चाहते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को बेसिक ऑफ कोडिंग सिखाया जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम सिखाया जाएगा, डेवलपमेंट सिखाई जाएगी, रिज्यूमे बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यूज़ और फाइनली आपके इंटरव्यूज़ भी शेड्यूल कराए जाएंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज है, ऑल दो थोड़ा लंबा प्रोग्राम होता है, 9 महीने का प्रोग्राम है, तो जिनको स्विच करना है वो ये वाला प्रोग्राम चेकआउट कर सकते हैं। तो यार कैंपस प्लेसमेंट से यार एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, आपके कैंपस में कौन सी कंपनीज आती थी प्लेसमेंट के लिए? प्लेसमेंट के लिए तो मेजरली जितनी सर्विस बेस्ड कंपनी है वो सारी आती हैं, जैसे विप्रो हो गई, TCS, इन्फोसिस और एसेंचर वगैरह। बट हाँ, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो कहते हैं वो कोई नहीं आती, फैंग वगैरह, बट माइक्रोसॉफ्ट आती है, बट इट कम्स ऑन अ सपोर्ट रोल, तो इतना कुछ खास रोल नहीं है उसका, तो वही है, मतलब सारी सर्विस बेस्ड कंपनी आती हैं बट प्रोडक्ट बेस्ड एक भी नहीं है, तो वो काफ़ी दिक्कत थी, क्योंकि मतलब हर कोई चाहता है उसका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो, और अगर कैंपस में आ रही है कंपनी तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा ईजी हो जाता है, थोड़ा सा मतलब जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाता है, तो लेकिन कॉलेज का ऐसा कोई सीन नहीं था। सारी दिक्कत तो इसी बात की है यार कि कंपनीज नहीं विजिट करती हैं कैंपस को। तो यार यहाँ पर ना आपने एक माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोफाइल बताई सपोर्ट रोल वाली, तो मैं ताकि लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, सपोर्ट रोल और SDE रोल थोड़े अलग अलग रोल हैं और काफ़ी सैलरीज में भी काफ़ी डिफरेंस रहता है, तो कुशाग्र अगर आपको याद हो कि लगभग कितना उसका CTC रहता है सपोर्ट वाले का, तो हमें बता सकते हैं? CTC अराउंड 11 लाख था और इन हैंड काफ़ी कम था उसका, तो वही है, मतलब सपोर्ट रोल और सॉफ्टवेयर डेवलपर वो एकदम डिफरेंट पोजीशन है। यस भाई, मैंने सबको क्लियर करने के लिए वाला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आपने अभी कल्चर की बात करी कि कोडिंग कल्चर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अमेजोन क्रैक करी है, तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि आपने कब कोडिंग स्टार्ट करी और आपने किस चीज़ से स्टार्ट करी? तो कोडिंग का देखा जाए तो मुझे मतलब मेरे सेकेंड ईयर तक मुझे कुछ नहीं आता था, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि कॉलेज में सीनियर्स इतना हेल्पफुल नहीं थे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था कि करना क्या है कोडिंग के रिलेटेड, तो वही है, काफ़ी दिक्कत आई। तो मैंने जो स्टार्ट करी अपनी कोडिंग जर्नी, दैट वाज इन स्टार्टिंग ऑफ माय 3rd ईयर, तो तब से मैंने स्टार्ट करा, और जो प्लेटफॉर्म मैंने चूज़ करा था दैट वाज GFG, गिग्स फॉर गिग्स, क्योंकि मतलब उस समय वो ईजी पड़ रहा था मुझे, क्योंकि मुझे और कुछ पता नहीं था उसके बारे में और प्लेटफॉर्म्स के बारे में, क्योंकि कोडशेप वगैरह थे, कोड फोर्सेस थे, बट वो थोड़े हाई लेवल थे क्योंकि वो CP के लिए होते हैं, तो मैंने कहा अगर स्टार्ट करना है तो थोड़ा बेसिक लेवल से करना चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई चोज GFG। और करते करते मतलब GFG करते ही करते थोड़ा जैसे यूट्यूब देख लेते थे, तो ये सब उससे पता चला कि एक लीड कोड प्लेटफॉर्म भी है, तो उसके बाद मैं शिफ्ट कर गया लीड कोड पे, एंड आफ्टर दैट जितनी भी कोडिंग तब से करी है वो लीड कोड पे ही रही है, तो मेरे ख्याल से लीड कोड तो आई गेस बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर कोडिंग किसी को करनी है। ठीक है, तो अगर आपको पहले से पता होता कि यार ये सारे प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, लीड कोड भी एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या चूज करते उस टाइम पे? हाँ, तो ऑफ कोर्स लीड कोड ही करता है, क्योंकि उसका एक तो मतलब लीड कोड खुद में इतना बढ़िया है, उसका हिंट्स वगैरह और डिस्कशन वगैरह का सेक्शन सारा बहुत कुछ बहुत अच्छा है वो, तो लीड कोड ही चूज करता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो भी हमारे दोस्त ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, उनको नंबर्स बहुत जानने रहते हैं, तो एक बार हमें ये बताओ कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे कितने कितने क्वेश्चंस किए थे? तो अराउंड मतलब मैंने बहुत पहले करा था, तो अराउंड 130 और 140 क्वेश्चंस करे थे, इतना कुछ खास नहीं करे थे, बेसिक लेवल ही थे। उसके बाद जब मैं लीड कोड पे मूव करा तब हाँ मैंने करे काफ़ी क्वेश्चंस, तो ओवरऑल 450 के अराउंड क्वेश्चन कर चुका हूँ, तो उसमें मैं यही करता था कि पहले मैं इजी लेवल क्वेश्चन करता था सारे टॉपिक्स के, मतलब एक एक टॉपिक उठा लिया उसका इजी लेवल क्वेश्चन करे बहुत सारे, उसके बाद उसके मीडियम लेवल करे, उसके बाद उसके हार्ड लेवल करे, तो और इजी मीडियम हार्ड में मीडियम पे ज़्यादा फोकस रखता था, बिकॉज आई न्यू कि जो भी प्लेसमेंट में कंपनीज क्वेश्चन पूछती हैं वो ज़्यादातर मीडियम लेवल ही होते हैं। नाइस, ये भी अप्रोच अच्छी है, एक टॉपिक उठाया उसके इजी क्वेश्चन उठाए। मैंने जो DSA शीट बना रखी है उसमें भी यही मैंने सेम अप्रोच ही फॉलो करी है, बिकॉज दैट्स हाउ आई स्टडीड, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था, एक टॉपिक उठाया उसके इजी करे, उसके मीडियम करे, फिर उसके हार्ड भी थोड़े बहुत ट्राई कर लिए। सो सही है, काफ़ी अच्छी अप्रोच है, एंड जो भी यहाँ पर नया स्टार्ट कर रहा है वो भी ये अप्रोच फॉलो कर सकता है। बाकी यार शीट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब कुशाग्र बाकी की जो चीज़ें हैं डेवलपमेंट और आपके फंडामेंटल सब्जेक्ट्स, ठीक है, इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा बताओ कि आपने इनको कैसे टाइम दिया, इनको कैसे टाइम मैनेज। फंडामेंटल्स जो थे CS के उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था करने का, बिकॉज वो थियोरेटिकल बेस्ड पार्ट है, तो उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, तो मुझे मेरा ज़्यादा फोकस था नहीं उस पर।
बाकी डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है वो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग रहा है, बिकॉज मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं आजकल कि डेवलपमेंट पहले ही कर लेते हैं ताकि लास्ट में सिर्फ डीएसए करने को रह जाए, या फिर मतलब एक चीज पहले कर लेते हैं ताकि बाद में दूसरी चीज कर सकें, राइट। बट मैंने जो चीज स्टार्ट करी अपनी वो थर्ड ईयर में ही सारा स्टार्ट करा, तो मैंने डेवलपमेंट भी उस समय स्टार्ट करा था और डीएसए भी उसी समय स्टार्ट करी थी, तो वो काफी मतलब उसका एक बैलेंस रखने के लिए काफी दिक्कत हुई, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। बेसिकली मैं भी यही एडवाइस करता हूँ लोगों को, जब मेरे से पूछते हैं ना कि भैया हम डेवलपमेंट और डीएसए एकदम साथ साथ में स्टार्ट करते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आप डीएसए में नए हो, आपने बिल्कुल अभी अभी डीएसए स्टार्ट किया, तो थोड़ा टाइम डीएसए को दे दो, 2 महीने कम से कम कंप्लीट डीएसए को दे दो, ताकि एक बार आप कंफर्टेबल हो जाओ, आपका हाथ बैठ जाए, उसके बाद फिर आप टाइम निकाल लेना, दोनों चीज़ें पैरेलली कर लेना। लेकिन स्टार्टिंग में एक चीज़ करो, वरना माइंड दो जगह डाइवर्ट हो जाता है और दिक्कत बहुत आती है। फिर कभी कभी लगता है कि हमने कल पढ़ा था यार, परसों पढ़ा था, भूल गए, वो सारी चीज़ें। तो वो सब अवॉइड करने के लिए पहले एक चीज़ पकड़ लो, एंड वो एक चीज़ डीएसए ही होगी। बिकॉज डीएसए ऐसा नहीं है कि आप लास्ट के 3 महीने में कर लोगे, डेवलपमेंट भले ही आप लास्ट के 3 महीने में कर लो, बिकॉज वो आपको याद नहीं रखनी होती है। डीएसए में कई सारे एल्गोरिथम, कई सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने होते हैं, दिमाग में रखने होते हैं। ठीक है, सो काफ़ी अच्छा डिस्कशन है ये। बाकी यार, जैसे कि आपने बताया कि कैंपस में तो कंपनीज इतना ज़्यादा विजिट करती नहीं है फॉर प्रोडक्ट बेस्ड, राइट? तो आपका ये जो ऑफर निकला है, ये ऑफ कैंपस ऑफर है, तो आपने इसमें कैसे अप्लाई किया, उसके बाद क्या प्रोसेस था पूरे इस अमेज़न के ऑफर का? तो मैंने जो ऑफर में अप्लाई करा था वो ऑफ कैंपस ही था और विदाउट रेफरल करा था, बिकॉज उस समय रेफरल लेना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था मेरे लिए। मैं लिंक्डइन पे अप्रोच करता था बट समहाउ मतलब नहीं होता टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, तो रेफरल लेना लेना थोड़ा मुश्किल था, तो विदाउट रेफरल ही मैंने अप्लाई करा था इसमें 2021 में अगस्त में। और उसके बाद 6 महीने का पूरा प्रोसेस चला। दिसंबर में मेरे को इसका ओए का लिंक आया था कि यू हैव टू गिव योर ओए, तो वो हुआ कंप्लीट। उसके बाद जो इंटरव्यू राउंड्स हुए वो हुए जनवरी में और फेब में, तो और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आया मार्च में, तो ओके, दैट वाज अ प्रोसेस। नाइस। तो आपने अगस्त से लेकर दिसंबर तक वेट किया, और आपने यार एक चीज़ बोली यहाँ पर कि आपने रेफरल के लिए ट्राई किया था और नहीं होता टाइम, कोई बात नहीं। तो मेरे को भी कभी कभी ये फील होता है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे इनबॉक्स पड़े होते हैं बट सबको नहीं देख पाता मैं, और ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। वैसे उस डिमोटिवेट नहीं होना आपको यार, आप डायरेक्ट पोर्टल पर जाके भी कर सकते हो यार, डायरेक्ट पोर्टल पर जाओ, अप्लाई करो, चांसेस हैं कि आपके पास आ जाएगा। रेफरल से बहुत ऐसा सिग्निफिकेंट वाला एडवांटेज नहीं हो जाता है आपको कि रेफरल लेके करोगे तो आपको आपकी पक्का शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। मेरा तो यार जब मैंने रेफरल लिया था लोगों से, तब भी नहीं हुआ था मेरा अमेजोन में शॉर्टलिस्ट, माइक्रोसॉफ्ट में शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था मेरा। तो इट हैपन्स, इट कीप्स ऑन हैपनिंग। डिमोटिवेट नहीं होना है, एंड जैसा कि कुशागर के केस में भी है कि यार 4 महीने के बाद कहीं जा करके ऑनलाइन टेस्ट आया, ऑनलाइन टेस्ट दिया, उसका फिर प्रोसेस चला, फिर उसके बाद रिजल्ट का वेट किया, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा पेशेंस, और आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है इसमें। बिल्कुल, ठीक है, जैसा आपने कहा यस ना, माइक्रोसॉफ्ट का जो है, यस मतलब मैंने अपना माइक्रोसॉफ्ट में 2-3 बार एप्लीकेशन डाल चुका हूँ, और एक बार मैंने रेफरल भी लिया था बट तब भी नहीं हुआ, मतलब तब भी मेरे पास ओए का लिंक नहीं आया था। तो जैसा आपने कहा ना, बिल्कुल सही बात है कि कोई ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता कि आप रेफरल से करो या फिर विदाउट रेफरल जाओ। हाँ, थोड़ा ईजी होगा प्रोसेस बट तब भी मतलब ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपका आ ही जाएगा वो एक। जैसा आपने माइक्रोसॉफ्ट का भी नाम लिया कि आपने माइक्रोसॉफ्ट में भी अप्लाई किया था, एक बार हमें ये बताओ कि आपने किस किस कंपनी में अप्लाई किया था और कहाँ कहाँ से आपको रिजेक्शन मिला है। रिजेक्शन तो सारी कंपनी से मिला जितनों में अप्लाई करा था प्रोडक्ट बेस्ड, तो मैंने गोल्डमैन में कर रखा है, मॉर्गन में कर रखा है, मॉर्गन स्टेनली, जेपी मॉर्गन में भी कर रखा है, बाकी गूगल में मैंने 2-3 एप्लीकेशन डाल रखी हैं, उसका तो ओए का लिंक भी नहीं आया था, तो यही है। और अमेजन में अकेले ही 16 एप्लीकेशन डाल रखी थी इससे पहले, तो वही है, काफी ज्यादा वेट करना पड़ा इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो यार आप लोग देख ही सकते हो कि कितने सारे रिजेक्शंस हैं, कितनी बार अप्लाई करना पड़ा है। कुछ अगर कभी डिमोटिवेशन नहीं हुई क्या इन सब चीज़ों से? वो तो मतलब तो नेचुरल है, डिमोटिवेशन तो आता ही है, बट हाँ उसको टैकल करना भी फिर वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने एक गोल सेट करा है कि आपको इस कंपनी में जाना है या फिर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करनी है या फैंग का सपना है आपका, मतलब एक एक गोल है ना आपका, तो उससे डिमोटिवेट होके कर क्या लोगे। तो एक मोटिवेशन यही है कि मतलब आपने मेहनत करी है तो आपको उसका लाइक उसका फल मिलेगा मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए बस यही है, मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है और ज्यादा मेहनत करनी है। मतलब अगर कोई फेलियर आपके हाथ आ रही है तो उससे ही पता चल रहा है कि मतलब आपने थोड़ी सी कहीं कमी छोड़ रखी है, तो उसके लिए आप और ज्यादा मेहनत करो, राइट। तो यही है, बिल्कुल डिमोटिवेशन तो बिल्कुल, आया था बट काफी मतलब उसके लिए और ज्यादा मतलब मेहनत करी तो हाँ हो जाता है। आप खुद देखो ना कि मतलब मेरी खुद इतनी एप्लीकेशंस थी जो कि सेलेक्ट भी नहीं हुई ओए के लिए, बट फिर भी एट द एंड आ गया ना, तो वही है, छोड़ना नहीं है, बस करते रहना है।
बिल्कुल यार, यही मैं बाकी लोगों को बोलता हूँ कि यार कर क्या लोगे ये करके, अब इससे बढ़िया क्या करो, अपने आप को एनालाइज कर लो कि आपने कहाँ कमी छोड़ रखी है। जो डेटा स्ट्रक्चर आपने छोड़ रखा है, जो एल्गोरिथम आपने छोड़ रखा है वो कर लो, सब्जेक्ट छोड़ रखे हैं सब्जेक्ट पढ़ लो, बट डोंट गो इन टू दिस फेज ऑफ डीमोटिवेशन, वरना फिर ये रिकरिंग हो जाता है। ठीक है, तो सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। बी स्ट्रांग, मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा आप लोगों को अगर अच्छी प्लेसमेंट्स क्रैक करनी है तो। ठीक है, बाकी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बचता है हमारे पास कुशागर, कि आपने ना सब्जेक्ट्स भी थोड़े बहुत पढ़े हैं, आपने डेवलपमेंट भी वेब डी भी करी है, आपने मेरे को बताया था वेब डेवलपमेंट आपने करी है मर्न स्टैक में, तो प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं और डीएसए भी किया है। अब मेरे को ये बताओ कि आपके ड्यूरिंग द एंटायर इंटरव्यू प्रोसेस विदाउट रिवीलिंग द क्वेश्चंस और एनीथिंग, मेरे को ये बताओ कि डीएसए, डेवलपमेंट, कोर सब्जेक्ट्स, इन सब में से क्या क्या यूजफुल रहा आपके लिए? सो एज फॉर मी, डेवलपमेंट और डीएसए का तो बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहा है पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में। बाकी कोर सब्जेक्ट्स का इतना मतलब मेरे मेरे लिए इतना यूज नहीं रहा, और मैंने करे भी नहीं थे तो मैं चाह नहीं रहा था कि मेरे इंटरव्यू में पूछे जाए, तो वो एक ब्लेसिंग है कि मुझसे नहीं पूछा गया। बाकी कोडिंग जितनी करी थी मैंने और जितना डेवलपमेंट करा था सब काम आया है। तो हुआ ये था कि मतलब ऑब्वियसली बात है ओए में तो यही होता है ना कि कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो करने होते हैं, और उसके अलावा जो इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था उसमें जो तीनों राउंड थे तो तीनों में ही डीएसए क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब मीडियम लेवल, एक हार्ड लेवल भी था, और जो थर्ड राउंड जो था उसमें पूरा डिस्कशन सिर्फ डेवलपमेंट पे हुआ है। तो मैंने इससे पहले इंटर्नशिप भी कर रखी है एक जगह, तो उसमें जो भी प्रोजेक्ट बनाया था मैंने तो उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ कि मतलब कैसे चीज़ें हो रही थी। तो और जो मैंने जो मैंने पर्सनल प्रोजेक्ट बनाए थे उनका भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है क्योंकि उस पर भी डिस्कशन हुआ था। वो प्रोजेक्ट इतने कुछ खास नहीं थे बट हाँ वो मेरे थे तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा था। चलो यार बहुत बढ़िया डिस्कशन था ये, सारी चीज़ें क्लियर हुई, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे अपने आपको मोटिवेटेड रखना है, कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। सो इट वॉज गुड टॉकिंग टू यू। यार जाते जाते एक एडवाइस जो आप सभी लोगों को देना चाहोगे, बिकॉज प्लेसमेंट सीजन एकदम पीक पे है, तो एक एडवाइस जाते जाते आप हमारे स्टूडेंट्स को दे दो। मतलब मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं यही कहूँगा, और जैसे लिंक्डइन पे भी ना काफ़ी बच्चे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब कोडिंग स्टार्ट कैसे करें, और वो डीमोटिवेट बहुत जल्दी होते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है मतलब जब आप कोडिंग स्टार्ट करते हो तो क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो नहीं होंगे क्योंकि आपने कभी नहीं कराया इससे पहले, तो एक स्टार्टिंग का जो वो ग्राफ होता है ना वो बहुत स्लो चलता है। बट एक बार जब आप उस ग्राफ पे और ऊपर पहुंच जाते हो, जब आप क्वेश्चन कर लेते हो, जब आपको एक पकड़ हो जाती है कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्या उसका मतलब पूरा जो स्टेप्स रहेंगे सॉल्व करने वो क्या रहेंगे, तो उसके बाद वो ईजी हो जाता है। तो मेजरली यही दिक्कत है कि आपको जब स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक कॉन्स्टेंट रहो उसमें, कि अगर आप दिन के दो या तीन क्वेश्चन कर रहे हो तो रोज दो या तीन क्वेश्चंस करो, उसी से फायदा होगा क्योंकि ग्राफ ऊपर बढ़ाने के लिए आपको क्वेश्चन भी और ज्यादा करने पड़ेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस करने हैं वो ऐसा नहीं कि बस कर लिया, करने के लिए नहीं करना है, वो अपने खुद की नॉलेज के लिए करना है। क्योंकि जब आप कोडिंग मतलब जब आपका इंटरव्यू होता है या फिर कोडिंग का ओवर राउंड होता है तो उसमें कोई आपकी हेल्प करने नहीं आ रहा है, तो वही है, तो जितना आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी सेकंड थिंग इज कि डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, मतलब पहले ही बताया मैंने कि डीमोटिव होके कहीं नहीं जाओगे, तो वही है, डीमोटिवेट होने मत देना अपने आप को, और हो तो ये मतलब ये वीडियो फिर से देख लेना तो समझ जाओगे कि मतलब डीमोटिवेट होके कहीं नहीं पहुंच रहे हो और एक ना एक दिन पहुंच ही जाओगे अपनी मंजिल पे। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा पॉइंट मैं भी इंक्लूड करना चाहूँगा यहाँ पे, कई बार लोगों को ये भी लगता है कि यार हम बहुत ईगो एकदम आ जाती है कि हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना ही नहीं है, पूरा दिन भी वेस्ट हो रहा है तो होने दो, जहाँ पर उनको लगता है ना कि क्वेश्चन देख लेंगे हम वहाँ पर डिमोटिवेट हो जाते हैं दोबारा से। तो यार जब मेरे साथ ऐसा होता था ना, मेरे साथ भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते थे जो मैं नहीं कर पाता था, उस केस में आई यूज़ टू लुक एट द सोल्यूशन और मैं अपने आप को बस यही समझाता था कि यस मेरे को कुछ नया सीखने को मिल गया इस वाले क्वेश्चन से, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, नहीं कर पाया मैं तो मेरे को कुछ नया सीखने को मिल गया, अब इंटरव्यू में कर पाऊंगा। सो ये माइंडसेट रखना, इजी हो जाएगी जर्नी थोड़ा सा, ठीक है, अपने आप को समझाना होती हैं चीज़ें। ठीक है, चलो थैंक्स अ लॉट कुशागर फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विद अस, बहुत ज़्यादा मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच फ्राज फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैनल, क्योंकि मतलब जर्नी शेयर करना तो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि जब खुद से करके कुछ पहुँचता है कोई कहीं पे तो उसको शेयर करना काफी अच्छा लगता है, और आपने मौका दिया तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर किसी और के पास ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी हो जो कि हम कवर कर सकते हैं सो प्लीज लेट मी नो, मैंने मेल नीचे दे रखा है, मेरे को मेल कर देना। ठीक है, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, बाय बाय।